सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी जो है मैं आ चुका हूँ छत पे, शाम का टाइम है। और गाइस आज जो है एक गुड न्यूज़ है, मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास जो है सेंटिनेंट कबूतर आया था और वो सेंटिनेंट कबूतरों का हम लोगों ने जोड़ा लगा दिया था। एंड गाइस इतने टाइम से वो लोग अंडे लेके बैठे हुए थे, अंडे को हैच कर रहे थे, बट अभी तक बच्चे नहीं निकला था। तो मेरे को शायद थोड़ा बहुत ऐसा डाउट जा रहा था भाई इसमें से बच्चे निकलेंगे या फिर नहीं। आप में से भी बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि भाई सेंटिनेंट कबूतर के पट्टे निकले या फिर नहीं। लेकिन गाइस आज जो है गुड न्यूज़ मिल चुका है कि आज सुबह में जब मैंने वहाँ पे देखा था तो हमारे सेंटिनेंट कबूतर के दोनों बच्चे निकल चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शाम को आप लोगों को प्रॉपर वो बच्चों का शौक भी करा दिया जाए। और गाइस इतने इतने से बच्चे हैं, जो उनकी चोंच है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी है, बहुत ही मतलब अलग दिख रहे हैं। हमारे लॉफ्ट में इतने सारे पट्टे निकलते हैं, आप लोगों को मैं शौक भी कराता रहता हूँ, बट पहली बार जो है सेंटिनेंट कबूतर के पट्टे निकले हुए हैं। तो मैंने सोचा इसका शौक कराना तो बनता ही है। तो गाइस अभी जो है फिलहाल में अपने सभी के सभी कबूतर जाल के अंदर खुले हुए हैं। सुबह के टाइम से मैंने इन लोग को अंदर ही दाना पानी डाल दिया था और वो चेक करो गाइस, वहाँ पे जो है सेंटिनेंट फीमेल बैठी हुई है। अभी जो है इसके नीचे अंडा नहीं, बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चे भाई निकल चुके हैं। सुबह के टाइम में मैंने देखा तो दोनों बच्चे उसके नीचे ही थे। आओ 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 गाइस, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारा लॉफ्ट का छत है वो पूरा खराब हो चुका है और अभी इसका कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो उसी वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई अभी जो है आप एक नया लॉफ्ट बनाओ उसको तोड़ के। तो मैंने सोचा भाई अभी अच्छा आइडिया है, बहुत टाइम हो गया ये लॉफ्ट को देखते देखते, तो क्यों ना इसको तोड़ के नया बनाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि हम लोगों को इसी लॉफ्ट को अभी फिलहाल में रिपेयर कर देना चाहिए या फिर इसको तोड़ के हमें कोई नया लॉफ्ट बनाना चाहिए। अगर ये सीजन में लॉफ्ट अगर हम लोग बनाते हैं आएगा ही, क्योंकि भाई बारिश का सीजन जो है स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों का कमेंट्स आता है तो भाई ये लॉफ्ट को तोड़ के हम लोग जो है इसकी जगह पे एक नया लॉफ्ट अपने कबूतरों के लिए बनाएंगे। तो कमेंट्स में बता देना जो भी आप लोगों का ओपिनियन है, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही हम लोग करेंगे। अभी जो है फिलहाल में अपने सभी के सभी कबूतर जो है आ चुके हैं बाहर, तो अभी बिना कोई देरी किए जल्दी से चलते हैं जाल के अंदर एंड आप लोगों को शौक कराते हैं भाई पट्टों का। ये चेक करो यहाँ पे, ये देखो ये फीमेल जो है यहाँ पे आराम से बैठी हुई है और ये भी गाइस देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। रुक जा। ये देखो गाइस इसके नीचे जो है दो बच्चे निकले हुए हैं भाई। तो अभी एक काम कर, तू जा बाहर। गाइस मैंने जो है इसको बाहर तो निकाल दिया लेकिन ये बार बार इधर ही आने का ट्राई कर रही थी। देखो अभी बाहर गई और मुझे ही देख रही है, कैसे देख रही है देखो। ये चेक करो भाई, ये फिर से आ गई क्योंकि अभी अभी हाल में ही बच्चे निकले हुए ना, इसीलिए थोड़ा परेशान हो रही है कि मेरे बच्चों को ये नुकसान ना पहुंचा दें। ये देखो, अरे तेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, टेंशन ना ले। और गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो है हमारे सेंटिनेंट कबूतर के दोनों बच्चे निकल चुके हैं और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई। ये चेक करो गाइस, ये देखो एक बार इनकी चोंच देखो, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनकी चोंच देख के मेरे को मस्त लग रहे हैं भाई, पहली बार ऐसा हुआ है वो इतने छोटे चोंच का जो है बेबी हमारे पास निकला हुआ है। ये देखो एक तो ये रहा और दूसरे का भी शौक आप लोगों को करा देता हूँ। ये चेक करो भाई, दूसरा वाला ये रहा, जो पहला वाला बच्चा दिखाया ये जो है बड़ा वाला है एंड ये छोटा वाला बच्चा है। ये चेक करो, दोनों की चोंच जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी है। तो गाइस अभी जो है आप लोग देखो, दोनों के दोनों बच्चों को जो है मैंने अपने हाथ पे रख लिया है और देखने में ये जो है कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई, एकदम छोटी छोटी चोंच का। अभी जो है इन लोगों का कलर का कोई पता नहीं चल रहा और इनकी आँख भी जो है खुल चुकी है। ठीक है, अभी पूरा अच्छे से तो नहीं खुला है, मेरे हिसाब से अभी थोड़े टाइम पहले इनकी आँख खुली होगी क्योंकि सुबह के टाइम पे तो भाई बिल्कुल इनकी आँख बंद थी। ये देखो अभी भी ज़्यादा का टाइम ये लोग अपनी आँख बंद करके रख रहे हैं, बट बीच बीच में हल्का हल्का सा आँख अपनी ओपन ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, देख रहे भाई कैसा है, चोंच देख रहा है इन लोग की, सेम दोनों एक ही जैसे हैं, एकदम छोटी छोटी चोंचें निकले हुए हैं भाई, एक बड़ा एक छोटा, एकदम मस्त लग रहा है। अभी तो कुछ दिन थोड़ा बड़े होने दे, इतने तब तू देखना कितने मस्त दिखे। हाँ अभी तो गाइस इन लोग का कलर भी हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से कलर में निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि भाई आज ही सुबह में मैंने देखा कि ये दोनों के दोनों बच्चे निकले हुए हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों जो है कल शाम को ही निकल गए होंगे, इनकी ग्रोथ देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी इन लोगों का गाइस मैंने इनकी जगह पे रख दिया है, ये चेक करो। इसे दोनों बच्चों को मैं इसी जोड़ी से बिल्कुल भी नहीं पलवाने वाला हूँ, अभी ये लोग छोटे हैं तो अभी इनको एक्सचेंज नहीं करेंगे, बट जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं
उसके बाद इनमें से एक बच्चे को उठा के किसी और जोड़े के नीचे रख दिया जाएगा, जिससे कि ये लोगों की ग्रोथ अच्छी हो और जो हमारे सेंटिनेल कबूतर का पेयर है वो लोग भी वीक ना हो, वो लोग भी इनको एकदम आराम से पाल सकें। देख लो भाई, जिन जिन लोगों को इतने टाइम से इंतजार था कि सेंटिनेल कबूतर के बच्चे निकले या फिर नहीं, तो निकल गए, भगवान करें ये लोग को कुछ ना हो, दोनों बच्चे सेफ रहें और जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं। गाइस देखो, जैसे ही मैं यहाँ से हटा वैसे ही ये फीमेल जो है अपने बच्चों के पास जाके बैठ रही है, ये चेक करो, क्योंकि भाई इसको भी अपने बच्चों का बहुत चिंता होगा, ये बेचारी सोच रही होगी कि कुछ नुकसान ये लोग ना कर दें। अभी जो है मैं नीचे आया हूँ दाना लेने के लिए, बट ये चेक करो, ये हम लोग का ये सेंटिनेंट मेल है, ये भाई मेरे को इतना ज़्यादा पहचानने लग गया है कि जब भी मैं नीचे आता हूँ चाहे कहीं भी तो ये आता है, ये चेक करो, ये देखो, देखो भाई दोबारा से मैं इसको बुलाता हूँ, आ आ ले, देखो मेरा कोई भी कबूतर नहीं आएगा, और खास करके ये जो एक ब्लैक कलर का कबूतर बैठा हुआ है ये मेरा सबसे ज़्यादा पुराना कबूतर है, और ये सेंटिनेंट तो न्यू है, उसके बाद भी ये मुझे इतना ज़्यादा पहचानने लग गया है कि अभी भी मैं नीचे आता हूँ तो साथ साथ में नीचे आने का ट्राई करता है, अभी भी देखो कैसे देख रहा है वो, ठीक है, आ आ आ आ, ये देखो, ये देखो, देखे, और गाइस अपने कोई भी कबूतर इसके साथ में नीचे नहीं आएंगे, बट जैसे ही मैं नीचे आऊँगा और इसको बुलाऊँगा ये तुरंत का तुरंत नीचे आ जाता है, और अभी देखना जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा ना ये ऊपर भी आ जाएगा, ये देखो आगे नीचे आ चला, ये देखो, देखे, तो चलो अभी ज़्यादा इनको परेशान नहीं करते इसकी, ये देखो, देखो फिर आ गया बिना बुलाए, मतलब इसकी क्या पता कैसी आदत हो गई है, जब मैं नीचे आता हूँ तो ये भी सोचता है नीचे आने का। तो चलो भाई अभी दाना निकालते हैं, ये देखो ये आ गया भाई दाना के पास, लो भाई आओ, आओ भाई आराम से आओ आओ, मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा टेंशन में भी जा रहा है, सोच रहा बच्चे अच्छे नीचे गए, जल्दी जल्दी खा के, जल्दी जल्दी खा के मुझे उनको भी खिलाना है, ये देखो एक बात तो परवाह तो रहेगी ना बच्चे को, वहाँ पे गई मैं दाना डाल दिया हूँ, अपने सभी के सभी कबूतर एकदम मस्त एक साथ खा रहे, बट ये जो है असली माल में मुंह डाल रहा है, देखो यहाँ पे आके फटाफट खा रहा है, चुन चुन के खा रहा है दाना, ये अभी आ गया ब्लैक, अभी जो है मैंने अपने कबूतरों को दाना पानी भी डाल दिया है, एंड जो सेंटिनेल के बच्चे निकले हुए हैं उनका भी सॉक करा दिया है, तो ये नहीं क्लियर हो रहा है कि भाई उनका कलर क्या है, अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आज सुबह के टाइम पे ही देखा हुआ था कि भाई दोनों के दोनों बच्चे निकले हुए हैं, तो मैं थोड़े ही टाइम के बाद जो है बच्चों के ऊपर पूरा बाल आ जाएगा, क्लियर समझ में आने लगेंगे कि भाई कौन से कलर में निकल रहे हैं, क्योंकि मेल जो है गोल्डन कलर में है और फीमेल जो है व्हाइट में है, तो भाई ये भी देखना होगा कि बच्चे किस टाइप में निकल रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद मैं आप लोग को बच्चों का अपडेट भी दूंगा, जब समझ में आने लगेंगे कि हाँ भाई ये कलर आ रहा है तब आप लोग को और एक बार बच्चे का शौक अच्छे तरीके से कराऊंगा, तो के लिए फिलहाल मैं इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर देना, हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।